नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ अहिरौला थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में एक चोर एक मकान में चोरी करते पकड़ा गया। ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर उसका पैर रस्सी से बांध दिया और जमकर पिटाई की। चोर छोड़ने की विनती करता रहा, लेकिन ग्रामीणों ने उसका एक नहीं सुना। चोर को रस्सी से बांधे जाने और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस हरकत में आई है। ग्रामीणों के अनुसार गाँव में एक महिला अपनी 5 साल की बच्ची के साथ रहती है। महिला शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे पड़ोस के एक शादी में विदाई के समय घर में ताला बंद कर विदाई में शामिल होने चली गई। इसी बीच ताक लगाए बैठे चोरों ने घर में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कुछ जेवर और नकदी शामिल हैं। एक चोर महिला के आने से पहले फरार हो गया, परंतु एक चोर महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पकड़े गए चोर को रस्सी से बांधकर ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। चोर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ग्रामीणों ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद ग्रामीणों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन चोर के साथ की गई मारपीट और रस्सी से बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको संज्ञान में लेते हुए SP ग्रामीण चिराग जैन ने थाना अध्यक्ष अहिरौला को मामले में जांच करने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? नीतू शर्मा। कैसे, क्या क्या घटना हुई? साहब, हम चल गए नी सवेर में 6 बजे विदाई रही है। बच्चिया गरम सुतल लानी है, तो अपने आई ना ये ताला तोड़ के बंद करके अंदर बंद कर ले अंदर से, तो हम खोलाव तो ना खोला था। तब जब सबके हम बोलौनी तब जाके खोलना। और बाद जान है कि हमार कुल पायल सायल रहा लकाने मकान 50-60 हजार रुपया दिलानी कुल ले लाना। बच्ची बच्ची उठा कहाँ ले जाता रहा? बच्चिया के मारत रहना। कहाँ बच्ची थी? वही सोल लानी है। अच्छा, आप बाहर से बंद करके गई थी? हाँ। तो ये अच्छा, क्या बजे घटना है? 6 बजे सभी सुबह। क्या क्या गायब हुआ आपका? काने मकान लाल घोड़े मकान 50-60 हजार रुपया रहा लिया। ये अकेले था कि और लोग थे कोई साथ? एक थे और आना, वो भाग गई ना। अच्छा, भाग गए। के मुबारकपुर गांव में एक चोर को पकड़े जाने का मामला आया है, जिसमें उसको बांध के रखा गया है। तो सर, इस पर क्या संज्ञान में आया है और क्या कार्रवाई की जा रही है? आज 1 मार्च 2024 को एक वीडियो हमको मिला है व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें एक आदमी को बांध कर रखा गया है। कुछ गांववासी आसपास खड़े हैं। यह गांव मुबारकपुर थाना अहिरौला का बताया जा रहा है, जिस पर मैंने तत्काल अहिरौला थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को तत्काल मौके पर जाकर जांच करने हेतु भेजा गया है। जांच के पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।